बजे। सुखी रहो बेटा, खुशी का मौका था, प्रेम की शादी तय हो रही थी, सब लोग तुम्हें याद कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा तो कहीं पता ही नहीं था। बाबूजी आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि कब कहां किस केस के सिलसिले में कहां जाना पड़े कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं है बाबूजी। तो भाभी खुश रहिए, इतने परेशान क्यों होते हैं? शादी तो तय होनी थी, सिर्फ बातचीत करनी थी तो हो गई बात। और ऐसा भी तो नहीं है कि ये शिवानी को नहीं जानते, शिवानी को तो कई बार देखा है इन्होंने, है ना देवर जी? अच्छा छोटे भैया का फोन आया कि नहीं, वो आ रहे हैं या नहीं? लेकिन आप उसे किताबों की कौन सी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं? उसे लिखने का शौक है तो उसे उसका शौक पूरा करने दो, क्या प्रॉब्लम? शौक या जिद, आप उसका शौक नहीं उसकी जिद पूरी कर रहे हैं भाई साहब, जिसे मैं तो सही नहीं समझूंगा। नहीं देवर जी, वो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें प्रेम से क्यों चिढ़ है, मुझे तो लगता है सारे परिवार को छोड़कर अब वो अमेरिका में ही बस जाएंगे। हाँ छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए प्रेम कहाँ है? भाई उसे मुबारकबाद तो दे दूं। प्रेम प्रेम, अरे बस मत बोलो, तू तो मेरा दोस्त है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो। थैंक यू, मेरी सारी शुभकामनाएं। अच्छा प्रेम एक बात पूछना था तुमसे। तुम्हारा दोस्त पवन जिसके घर तुम गए थे वो रतनपुर का ही रहने वाला है ना? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली केस आया है। उसमें रतनपुर गांव इन्वॉल्व है, लगता है मुझे वहां जाना होगा। कैसा केस चाचा? ऐसा कैसा केस है जो आपको स्पेशली रतनपुर ही जाना है? हाँ, दरअसल रतनपुर गांव बॉर्डर पर है और हमारे डिपार्टमेंट को शक है कि देश में अराजकता फैलाने के लिए जो बम बारूद और हथियार का इस्तेमाल हो रहा है उसमें रतनपुर गांव का इस्तेमाल हो रहा है। और अब तक जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उससे यह पता चलता है कि यह गांव कई सालों से इन्वॉल्व है इन कामों में, कोई सम्मानित व्यक्ति का हाथ है इसमें। मुझे यह केस सौंपा गया है और मुझे पता करना है कि वो सम्मानित व्यक्ति है कौन।